जब किसी भी इंसान का ब्रेकअप होता है तो वो इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उनकी लाइफ में ये अचानक से क्या हो गया। क्योंकि हर किसी के लिए वो इंसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे वो प्यार करता है। एंड हर इंसान ब्रेकअप के बाद अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए जो उनको समझ में आता है, जो उनको सही लगता है, वो सारी चीज़ें करेंगे। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, अपने से जो भी बनता है वो अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए वो डेफिनेटली करेगा। एंड आपने भी अगर वो नाकाम कोशिश की है तो आपको भी पता होगा कि अपने एक्स पार्टनर को रोकने के लिए, उनको मनाने के लिए जितनी आपने कोशिश की होगी, आपका एक्स पार्टनर आपसे और ज्यादा इरिटेट हुआ होगा, आपसे और ज्यादा गुस्सा हुआ होगा। क्योंकि तब हम समझ नहीं पाते कि यार मैं इतना दुखी हूं, ये मेरे इमोशन है, फिर भी सामने वाले इंसान को मुझ पर तरस नहीं, मुझ पर गुस्सा कैसे आता है। पर एक्चुअल में होता यह कि जैसे आपको कोई कॉल कर रहा है बार बार कि भाई ये पॉलिसी ले लो, ये क्रेडिट कार्ड ले लो, आपने उनको एक बार मना किया, लेकिन वो इंसान दूसरे दिन तीसरे दिन लगातार आपको कॉल करके करके इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तब आपको एग्जैक्टली उस इंसान के ऊपर गुस्सा आएगा। सेम वे में जब आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता है तो उसने एक डिसीजन लिया है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना, फिर आप उनको मनाते हो, अपना दुख दिखाते हो, अपनी फीलिंग बताते हो, सब कुछ ट्राई करते हो, पर फिर भी उस इंसान ने अपना डिसीजन बना लिया कि उनको आपके साथ नहीं रहना, तो आपके ऐसे प्रयत्न करने से, आपकी इस तरह की एफर्ट से वो जस्ट इरिटेट होता है। एंड ब्रेकअप के बाद ऑलमोस्ट अपने एक्स पार्टनर को इरिटेट करते हैं। इसके कारण होता यह कि एक्स पार्टनर की वापस आने की जितनी भी पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जिसने अपने एक्स पार्टनर को सबसे ज्यादा इरिटेट किया है, उनके एक्स पार्टनर की वापस आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। अगर आप अपने एक्स पार्टनर को वापस पाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, ये सोचना होगा सीरियस होके कि ऐसा क्यों हुआ कि आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया। ये सबसे पहली चीज होती है जहां पर आपको काम करना है, कि ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया। वैसे तो इसके कई रीजन होते हैं, लेकिन मेन रीजन और मोस्ट ऑफ टाइम यही रीजन होते हैं, या तो अब आप अपने पार्टनर के लिए इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रहे, कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है कि अब आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा पहले से रिलेशनशिप में इरिटेट करने लगे हैं, और ये भी हो सकता है कि अब आप बहुत ज्यादा नीडी पर्सन बन गए हो, और इन सारी चीजों को मिला जुला कर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंडसेट में आपके बारे में ये बैठ गया कि आप एकदम उनके लिए यूजलेस पर्सन हो, आप डिजर्व ही नहीं करते उनके साथ रिलेशन में रहना, आप डिजर्व ही नहीं करते एज अ पार्टनर उनके साथ रहना। तो आपकी कहीं ऐसी मिस्टेक के कारण जब आपके पार्टनर के माइंडसेट में आपकी आइडेंटिटी खराब हो जाती, तभी कोई इंसान आपको रिलेशनशिप में छोड़ के जाता है। अगर आज भी आप उनके लिए इतने इंटरेस्टिंग पर्सन हो तो डेफिनेटली कभी भी वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अगर आप अपने रिलेशनशिप में रिलेट कर पा रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपसे ये गलतियां हुई है और इसी रीजन से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है, तो अब आपके लिए यहां पर क्वेश्चन बनता है कि अब आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे आप अपने एक्स पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस पा सको। उसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, और दूसरी चीज मैं आपको वही बताने वाला हूं कि अपने एक्स पार्टनर के माइंड से अपनी जो बुरी आइडेंटिटी है उनको आपको बदलना होता है। एज अ रिलेशनशिप कोच मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ज्यादातर लोगों को उनके एक्स पार्टनर तभी मिलते हैं जहां पर लगभग उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि उनको अब अपने एक्स पार्टनर को वापस नहीं पाना है, या लगभग वो अपने एक्स पार्टनर के बिना भी अपनी लाइफ में खुश होते हैं, और कहीं ना कहीं उनका फोकस खुद पे या खुद की लाइफ पे होता है। तो यहां पर ये सवाल बनता है कि आप कैसे अपने एक्स पार्टनर के माइंड से अपनी आइडेंटिटी को बदलोगे। सबसे पहली बात यहां पर ये है कि आपको अपने एक्स पार्टनर को ये दिखाना होगा, कैसे भी करके आपको अपने एक्स पार्टनर के सामने अपनी लाइफ को, अपने आप को ऐसे रखना होगा जहां पर आपका एक्स पार्टनर आपको नोटिस कर पाए कि आप वही इंसान हो जो उनको रोकने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे, उनके लिए बहुत ज्यादा रोते थे। अब उस इंसान को, यानी कि आपको, अपने एक्स की नींद ही नहीं है। मतलब आपके एक्स को ऐसा लगना चाहिए आपको देखकर कि आप अब उनको पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप उनको वापस पाना नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने एक्स पार्टनर के बिना भी खुश हो। जब मैं लोगों को ये चीज करने के लिए एडवाइस करता हूं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जब अपने एक्स पार्टनर को ये दिखा रहा था कि मैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान था, बहुत ज्यादा दुखी था, एंड एक्चुअल में था, तो ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर मेरा एक्स पार्टनर मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, तो जब मैं अपने एक्स पार्टनर को ये दिखाता हूं कि मैं उनके बिना भी खुश हूं, मैं उनको भूल गया हूं, मैं जस्ट अपनी लाइफ में फोकस कर रहा हूं और मेरी लाइफ पहले से ज्यादा बेटर है, मैं अगर ऐसा दिखाऊंगा तो डेफिनेटली वो नहीं आएगा, क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है, मेरे इतने परेशान होने से भी फर्क नहीं पड़ा, तो क्या मेरे खुश रहने से, मेरे पहले से बेटर रहने से उनको
फर्क पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ता है। इसी को तो कहते हैं ओपोजिट जेलसी। जब कोई इंसान आपको इस तरह से, स्पेशली जब आपके एक्स पार्टनर आपको इस तरह से देखता है कि जो मेरे लिए इतना ज्यादा परेशान हो रहा था वो मुझे भूल कैसे गया। समझ लो, कोई भी इंसान जो आपको उनकी लाइफ में रखना नहीं चाहता वो उनका डिसीजन होता है, लेकिन वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इंसान मुझे भूल गया, जो मेरे लिए इतना परेशान था अब मेरे बिना भी खुश है, पहले से ज्यादा अपनी लाइफ में ना वो तरक्की कर रहा है, वो अपनी लाइफ में बेटर है। ये चीज बहुत सारे लोगों ने ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है कि जब वो बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे थे अपने एक्स पार्टनर को वापस पाने के लिए, तब उनका एक्स पार्टनर उनकी लाइफ में नहीं आया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जिनके ब्रेकअप के बाद वो कोई एफर्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं कि अगर तुझे जाना है तो जा, वो फिर अपनी लाइफ में मशगूल हो जाते, अपनी लाइफ में फोकस करने लगते, उसका फोकस खुद के लिए हो जाते, खुश रहने लगते। वो लोग सबसे ज्यादा और बहुत ही जल्दी अपने एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाते हैं। पर दोस्तों, जब मैं लोगों को ऐसे गाइड करता था, जब मैं सीख रहा था, जब मैं एक्सपीरियंस कर रहा था चीजों का लोगों के रिलेशनशिप में, तो कई बार मैंने जब लोगों को ऐसी चीजें गाइड की तो लोग उसको फॉलो भी करते थे। लेकिन चीज क्या थी कि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए रियल में ऐसा कर नहीं पाते। अब उनको पता है कि अपनी लाइफ में फोकस करना है, अपने एक्स पार्टनर को धीरे धीरे ऐसा दिखाना है कि वो अपने एक्स पार्टनर को ऐसा दिखाने की तो कोशिश करते हैं कि हमारी इनर पर्सनैलिटी, आउटर पर्सनैलिटी, हमारा माइंडसेट, हमारी लाइफ काफी कुछ बदल गया, जस्ट ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने एक्स पार्टनर को देखते रहते, ऑब्जर्व करते रहते, उनको मिस करते और अंदर से वो बिल्कुल भी बदले नहीं होते, जस्ट ऐसा दिखाने का दिखावा करते हैं। एंड इन शॉर्ट में कहूं तो रियल में अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश कर ही नहीं पा रहे होते, अपने आप में खुश रह ही नहीं पा रहे होते, अभी भी वो दुखी होते, अपने एक्स के बारे में सोच रहे होते कि उनको कोई और मिल गया होगा, और कहीं ना कहीं ये चीज उनसे नहीं होती। जो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कैसे अपनी आइडेंटिटी चेंज करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, उनका भी एक रीजन होता है कि वो इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, और ऐसा परफेक्ट करने के लिए आपको पहले इमोशनली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। इमोशनली इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको अपनी लाइफ में कम से कम एक ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी, या वो आपका काम हो सकता है या आपकी कोई हॉबी से हो सकती है। मोस्ट ऑफ टाइम लोगों का काम के साथ इतना कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पाएगा, क्योंकि काम को करने में बहुत सारे लोग इतने जल्दी से कंफर्टेबल, या कहे कि एक तरह से इतने एंगेज फील नहीं कर पाते। तो उनके लिए अच्छा है कि वो अपनी लाइफ में ऐसी चीजें करें जो उनकी हॉबीज हो सकती है, क्योंकि ये पहले तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, लेकिन धीरे धीरे जो भी आपका शौक है, जैसे कि पोएट्री लिखना या कुछ भी ऐसा करना, जो भी आपका काम है, जो भी आपकी हॉबीज है, सिंगिंग, डांसिंग, व्हाटएवर, उन सारी चीजों के साथ धीरे धीरे अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। अपनी लाइफ को एक नया फॉर्म देने की कोशिश करो। उसके पीछे भी एक साइकोलॉजी है कि धीरे धीरे जब आप ऐसी चीजें करते हो तो आपके साथ क्या होता है कि आपकी मेमोरी रिप्लेस होती है, एंड धीरे धीरे अपनी चीजों के, अपने काम के कारण या अपनी हॉबीज के कारण ही आपकी लाइफ में जब कोई छोड़ के जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है, वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे क्रिएट होता है। जैसे जैसे आपकी लाइफ में अपनी चीज़ों के कारण कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो एक चीज़ और ऐड होने लगती है, वो हैप्पीनेस। ये दो चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट बना देगी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी हैप्पीनेस। अब जो ये आपका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस है, दो ही ऐसी चीज़ है जो आपकी खुद की है, यानी कि उस इंसान से या उस रिलेशनशिप से नहीं आती। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आप इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। इन शॉर्ट में मैं आपको कहूं तो आप अपने एक्स से थोड़े से डिटैच हो जाओगे, जो बहुत ज्यादा आप उनके साथ अटैच होगे, धीरे 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 आप उनके साथ डिटैच होगे। अब आप रेडी हो लॉजिकली सोचने के लिए, लॉजिकली चीजों को करने के लिए। जैसे आप धीरे धीरे इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आप अपने आप को सोच समझ कर अपने पार्टनर के सामने रख सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ फिर बात करो, व्हाटएवर, जैसे भी आप उनके सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो सोशल मीडिया से, जस्ट आपके पार्टनर को ये चीजें दिखनी चाहिए कि इंसान कोई परेशान नहीं है, दुखी नहीं है, अपनी लाइफ में मस्त है, पहले से अच्छे से जी रहा है। जब ये चीजें देखेगा तो डेफिनेटली कोई भी इंसान होगा, कैसा भी इंसान होगा, उनके अंदर ओपोजिट जेलसी क्रिएट होती है जो उनको आपकी ओर अट्रैक्ट करती है। दोस्तों, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में हमने जो बात की वो एक्स बैक मेथड की एक तरह से एक समरी थी। अगर आप इस एक्स बैक मेथड की ऑडियो बुक सुनना चाहते हो, मेरी और भी ई बुक है, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप, या और भी ई बुक है जो मूव ऑन के ऊपर, इन सारी की सारी ई बुक को अब आप ऑडियो बुक के फॉर्म में सुन सकते हो, और वो भी यूट्यूब में। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन बटन होगा, वहां पर आप
पेड सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो 299 में। उसके बाद जितनी भी धीरे धीरे ऑडियो बुक अपलोड होती जाएगी उसको आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे। तो बेटर है अगर आप सारी ई बुक परचेस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप उनको अवॉइड करिएगा और यहाँ पर ऑडियो बुक के फॉर्म में आप इन सारी ई बुक को सुन पाओगे। थैंक यू सो मच।